वक्त है सुबह 30 का, तेज रफ्तार खबरों का नया सिलसिला। दोपहर 2:30 बजे जब कहीं भी खबरें नहीं होती हैं, तब आप देखिए सिर्फ 10 मिनट में दिन की तेज बड़ी खबरें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रामलीला मैदान में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। मीडिया में आई रिपोर्ट पर सीओ मोटो एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर किस आधार पर आधी रात को बल प्रयोग की कार्रवाई की गई। जस्टिस बी एस चौहान और सत्येंद्र कुमार ने 2 हफ्तों के भीतर हलफनामा दायर कर जवाब देने को कहा। कोर्ट की ओर से केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस पर स्वामी रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया जताया है। उन्होंने कहा, अदालत को मालूम है कि गलती किसने की है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अन्याय और पाप के खिलाफ स्वयं संज्ञान लेकर के केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो नोटिस दिया है, हम देश के सर्वोच्च न्यायालय को हृदय से धन्यवाद देते हैं। रामदेव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग को भी इसमें दखल देकर केंद्र सरकार से पूरी कार्रवाई पर जवाब मांगना चाहिए। ये मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। आप 2 बजे सोते हुए लोगों के ऊपर आप लाठियां बरसा मार रहे हैं, बेगुनाह बेकसूर निर्दोष निहत्थे लोगों को। ये मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग के यहाँ पर भी हम बहुत जल्दी ही एक प्रार्थना पत्र डाल रहे हैं। रामदेव के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का स्वागत किया। विश्वास कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि उन अधिकारियों को सेवा काल में रहने का एक दिन भी नहीं रहने का अधिकार है। उनको बाहर निकाल देना चाहिए, उनको बिल्कुल निलंबित कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है, अगर इस तरह का बयान आया है कि उन्होंने गलत तो किया, ये तो पूरी पब्लिक ने देखा है, पूरे जहान ने देखा है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर बीजेपी ने भी खुशी जताई है। पार्टी नेता सुषमा स्वराज ने इसे लोकतंत्र की जीत कहा। जस्टिस बी एस चौहान की खंडपीठ ने केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को नोटिस देकर ये कहा है कि आप हमें बताइए कि परसों जो घटा वो क्यों घटा और कैसे घटा। मैं इस घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत मानती हूँ। काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने राष्ट्रपति से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने घोटाले पर चर्चा के लिए आपातकालीन सत्र बुलाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है। बीजेपी ने स्वामी रामदेव पर हुए हमले की जांच के लिए संसदीय समिति बनाने की भी मांग की। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे विदेशों में काला धन जमा हो जिसको वापस लाना है, या फिर इस काले धन के सवाल को लेकर के, और अगर किसी ने एक शांतिपूर्ण उपवास किया, प्रदर्शन किया और अचानक पुलिस जाकर के उनके ऊपर हमला कर, इन सब बातों के बारे में हमने मांग की है कि जल्दी से जल्दी संसद का अधिवेशन बुलाया जाए। लालकृष्ण आडवाणी ने यूपीए की सरकार को आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार कहा। उन्होंने रामदेव समर्थकों पर लाठीचार्ज पर दोषी लोगों को सजा देने की मांग की। अपराधी होगा, वो अपराधी देश के सामने भी आ जाएंगे, और अगर सरकार प्रामाणिक होगी तो उन अपराधियों को दंडित भी करेगी। यह सरकार एक प्रकार से स्वतंत्र भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार, ऐसी छवि उसकी बन गई। स्वामी रामदेव के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ बीजेपी के आला नेता कल शाम से राजघाट पर 24 घंटे के धरने पर बैठे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और विजय मल्होत्रा धरने पर शामिल हुए हैं। कल देर रात जब माहौल कुछ हल्का हुआ तो सुषमा स्वराज देशभक्ति के गीतों पर झूमने भी लगी। भ्रष्टाचार और काले धन मामले पर स्वामी रामदेव अब हरिद्वार के पतंजलि पीठ में ही अनशन पर बैठ गए हैं। दिल्ली में अपने समर्थकों पर हुए जुल्मों को याद करके रामदेव रो पड़े। रो रहा था कि मेरे कारण से यदि एक भी बहन की जान जाती है तो ये मैं उसको कैसे सहन कर पाऊंगा, इसके बच्चों को मैं क्या जवाब दूंगा।
स्वामी रामदेव ने आज दिल्ली पुलिस पर रामलीला मैदान में विस्फोट कराने की साजिश का आरोप लगाया। रामदेव ने पुलिस के उस ईमेल की जांच की मांग की जिसमें उनकी जान को खतरा बताया गया था कि मंच के ऊपर जोर का बम फेंक दो, पड़ोस में मस्जिद है, मुसलमानों पर आरोप लगा दो क्योंकि मुस्लिम के नाम से भेजा गया, कि रामलीला मैदान के पड़ोस में मुस्लिम है, मस्जिद है, वहां से बम आया और ये बाबा जी के लिए तो ये ईमेल पहले से आया, ये ईमेल भी पुलिस ने ही बना करके भेजा हुआ। जो पब्लिक माइक सिस्टम था सबसे पहले जाकर के पुलिस ने उसको बंद किया, फिर लाइट बंद की, फिर जहां जनरेटर सिस्टम लगा होता है वहां ठंडे पानी की बौछार करने से उसमें आग लग सकती है। मैंने जो कहा था पहले कि केंद्र सरकार वहां पर हजारों लोगों की लाशें बिछाना चाहती थी। स्वामी रामदेव ने आरोप लगाया 4 जून की रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा पुलिस ने पंडाल में 3 बार आग लगाकर उन्हें जलाने की भी कोशिश की। इसके हाथों में आप वो सारे घाव और प्रहार देख सकते हैं। ये लड़का आग बुझा रहा था, जो मेरे साथ में रहता है सुरक्षा में मंच के ऊपर ही था। जब इसको पता लगा कि आग लगेगी तो स्वामी जी जल के राख ही हो जाएंगे, दोनों हाथों में, पीठ के ऊपर। बड़े पुलिस अधिकारी के कहने पर एक बार नहीं पंडाल को और स्टेज को 3 बार आग लगाई गई और जो आग बुझाने के लिए हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे उन सबको डंडे मारे गए। तो मृत्यु की षड्यंत्र का हमारा मात्र आरोप नहीं है, ये तथ्य है। स्वामी रामदेव ने बताया पुलिस वालों ने रामलीला मैदान में अनशन के समर्थन में आई महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए। एक महिला समर्थक ने सबूत के तौर पर अपने साथ बदसलूकी करने वाले पुलिस के बड़े अधिकारी का बैच लोगों को दिखाया। ऐसे ही इन बहनों के साथ में एक फीत वाला अधिकारी छीना झपटी करता हुआ बहनों के कपड़े फाड़ता हुआ साड़ियां फाड़ता हुआ, ये कितना बड़ा अधिकारी और वो अधिकारी महिलाओं के साथ जो है जोर जबरदस्ती कर रहा। ये तो मैंने एक महिला की बात बताई, ये तो बहुत चीजें आप पहले सुन चुके हैं। ये तो मैंने इसलिए इस बात को कहा जैसे इन महिलाओं के साथ जो जाति कर रहा था पुलिस अधिकारी वहां महिला पुलिस गिनती की इस 10,000 की फोर्स में मुश्किल से 50 होंगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। 4 जून की रात रामलीला मैदान में मौजूद महिलाओं ने बताया पुलिस के जवानों ने शराब पी रखी थी। सैकड़ों महिलाएं होने के बावजूद यहां एक भी लेडी पुलिस मुस्तैद नहीं की गई थी। वो शराब पी रखी थी उन्होंने, जैसे ही स्वामी जी को हमारे हाथों से छुड़ाया फिर हमने देखा थी छावनी थी, दिल्ली पुलिस तो थी पूरी छावनी थी वहां पर, एक दो पुलिस वाला नहीं था, कोई लेडी पुलिस नहीं थी वहां पर। रामलीला मैदान में पुलिस की लाठीचार्ज के वक्त वहां मौजूद स्वामी रामदेव के समर्थक और साउथ की एक्ट्रेस दिव्या शर्मा ने बताया पुलिस ने लोगों को पीट पीट कर पास के मस्जिद के नाले में फेंक दिया। जो मस्जिद के साथ नाला है उसके अंदर फेंका गया, जैसे भेड़ बकरियां होती हैं उस तरह से फेंका गया, लोगों की पिटाई की गई डंडों के साथ में, हम लोगों को गाड़ी तक अंदर नहीं ले जाने, मतलब रामलीला ग्राउंड के बाहर गाड़ी तक नहीं ले जाने दी जा रही थी। स्वामी रामदेव ने रामलीला मैदान में लाठीचार्ज से इनकार करने पर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को सबसे बड़ा झूठा करार दिया। और पुलिस ये बयानबाजी भी कर रही है कि हमने लाठीचार्ज किया ही नहीं। मुझे लगता है जैसे ये सत्याग्रह ऐतिहासिक था ऐसे ही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार भी ऐतिहासिक झूठी बयानबाजी कर रही है। स्वामी रामदेव ने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा दिल्ली में पुलिस की बर्बर कार्रवाई के बाद उनकी नजर में पीएम का सम्मान कम हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में पुलिस महिलाओं पर जुल्म करती रही लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरे मामले में चुप्पी साधे रखी। सम्मान व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने अपना राष्ट्र धर्म नहीं निभाया। विनाश काले विपरीत। रामदेव ने अपने समर्थकों से कहा कि उनका आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है सरकार उसे देखना ही नहीं चाहती। राज्यों की राजधानी में और
पूरे देश की राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पूरे देश में आक्रोश उठ रहा है उसको देखना ही नहीं चाहती थी। अब सोचिए एक दिन में क्या हो गया भाई, पूरे देश का जो आक्रोश है वो संगठित रूप में जब पूरी दुनिया के सामने आता तो शायद ये केंद्र सरकार टिक नहीं पाती, शायद गिर जाती। रामदेव ने कहा उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, इस आंदोलन को काले दिवस के रूप में मनाएंगे। कार्यकर्ता और केवल भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता ही नहीं, सभी सामाजिक आध्यात्मिक और राजनीतिक संगठन के लोग कल का और आज का ये काला दिवस जहां जहां है वो इस काले दिन को मना दिवस के रूप में करके 5 और 6 तारीख के दिन को काले दिवस के रूप में मना रहे। लोकपाल कमेटी और बाबा रामदेव के बीच अब भी कुछ मुद्दों पर मतभेद है। किरण बेदी ने कहा कि बाबा रामदेव के साथ अन्ना की मीटिंग के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। बाबा और अन्ना की आपस में मीटिंग नहीं हुई है और अन्ना को कुछ बाबा से सवाल हैं जो अभी पूछे नहीं गए हैं। जब तक वो पूछे नहीं जाएंगे वो इकट्ठे एक मंच पे नहीं आएंगे। जब तक उनकी आपस में मीटिंग नहीं होगी कैसे आगे होगा, अभी मीटिंग नहीं हुई। स्वामी रामदेव के साथ हुए अत्याचार के विरोध में अन्ना हजारे ने आज होने वाली लोकपाल ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया। अन्ना के मुताबिक लोकपाल कमेटी की मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, जब तक सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं करती तब तक वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। अन्ना का आरोप है कि सरकार लोकपाल बिल पर कानून को लेकर गंभीर नहीं है, 8 जून को जंतर मंतर पर एक दिन का अनशन भी करेंगे। उमा भारती अब से कुछ ही देर पहले बाबा रामदेव से मिलने हरिद्वार पहुंची है। उन्होंने रामलीला मैदान में हुई घटना पर अफसोस जताते हुए केंद्र सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है। मुझे दुख है कि केंद्र की सरकार ने जो बर्बरता पूर्ण कार्यवाही की है वो कार्यवाही निंदनीय है, लेकिन इस शोर में जो मुख्य बात है वो नहीं दबनी चाहिए और वो है कि देश का काला धन कानून के जरिए देश को वापस मिलना चाहिए। स्वामी रामदेव पर लगातार अपने बयानों से हमला करने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के घर पर लोगों ने पथराव कर दिया। कल देर रात कुछ बाइक सवारों ने भोपाल में दिग्विजय सिंह के B1 श्यामला हिल्स पर शोर मचाते हुए पत्थर फेंके और फरार हो गए। उसके बाद कुछ लोगों में आक्रोश था, वो लोग यहाँ आते हैं मोटरसाइकिल पे, कई सारे लोग कुछ पत्थर फेंकते हैं, हंगामा करते हैं और भाग जाते हैं। पुलिस अभी तक उनके बारे में कोई पता नहीं लगा पाई है। दिल्ली में स्वामी रामदेव की गिरफ्तारी और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज के बाद पूरे देश में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। नागपुर में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता विरोध जताने के लिए धरने पर बैठे। पटना में जेडीयू के विधायक और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इंदौर में स्वामी रामदेव के समर्थकों ने सत्याग्रह का ऐलान किया। वेस्ट इंडीज को T20 मुकाबले में धूल चढ़ाने के बाद टीम इंडिया वनडे में वेस्ट इंडीज के 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। सुरेश रैना की अगुवाई में आज विश्व चैंपियन भारत 5 मैचों की वनडे सीरीज में पहला मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन में खेलेगी। टीम में गंभीर, सहवाग, सचिन, युवराज, धोनी और जहीर जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं है। बावजूद इसके रैना की यंग ब्रिगेड के हौसले बुलंद है। वनडे सीरीज में भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। चिली के पुईहू में ज्वालामुखी भड़क उठा है। ज्वालामुखी से लगातार धुआं और राख के साथ साथ लावा निकल रहा है। ज्वालामुखी के लगातार खतरनाक होने के बाद लोगों को प्रभावित क्षेत्र खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। अब तक 3,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। खासकर बेलीलोची क्षेत्र में लोगों को सावधानी बरतने और घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। फिलहाल इस ज्वालामुखी से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पाकिस्तान के पेशावर में 2 अलग अलग बम धमाकों में 25,000 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा ब्लास्ट में 40,000 लोग घायल हो गए। पहला धमाका आर्मी की एक बेकरी में हुआ जिसके बाद कई सिलेंडर फट गए। दूसरा धमाका मटानी इलाके के एक बस स्टॉप पर हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए। पाकिस्तान के सूचना मंत्री के मुताबिक दोनों धमाके रिमोट कंट्रोल से किए गए। इसके पीछे तालिबान का हाथ बताया जा रहा है।